है। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी। महोबा में 3 बजे तक 51.71% हुई वोटिंग। जालौन में 3 बजे तक 46.87% हुई वोटिंग। झांसी में 3 बजे तक 48.52% वोटिंग। कासगंज में 3 बजे तक 50.74% वोटिंग। कानपुर देहात में 47.13% वोटिंग। 3 बजे तक के आंकड़े आए सामने। हाथरस में 3 बजे तक 50.10% वोटिंग। हमीरपुर में 50.73% वोटिंग 3 बजे तक संपन्न हुई। बड़ी खबर सामने आ रही है 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए। कानपुर नगर में 3 बजे तक 43.25%। ललितपुर में 59.13% वोटिंग। बड़ी खबर सामने आ रही टावा में 3 बजे तक 50.42% वोटिंग। फिरोजाबाद में 3 बजे तक 51.08% वोटिंग हो चुकी है। 50% वोटिंग हो चुकी है 3 बजे तक। फरुखाबाद में 3 बजे तक 51% वोटिंग संपन्न हुई। यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी है। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। महोबा में 51.71% वोटिंग 3 बजे तक हो चुकी है। जालौन में 3 बजे तक 46.87% वोटिंग हुई। झांसी में 3 बजे तक 48.52% वोटिंग हुई। कासगंज में 3 बजे तक 50.74% वोटिंग। कानपुर देहात में 3 बजे तक 47.13% वोटिंग हुई। 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। हाथरस में 3 बजे तक 50.10% वोटिंग। हमीरपुर में 50.73% वोटिंग। कुल 16 जिलों में आज 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और 3 बजे तक कुल 50% वोटिंग हो चुकी है। ललितपुर में 3 बजे तक 59.13% वोटिंग संपन्न हुई। इटावा में 3 बजे तक 50.42% वोटिंग हुई। फिरोजाबाद में 3 बजे तक 51.08% वोटिंग हुई। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फरुखाबाद सभी जगह से आंकड़े सामने आ चुके हैं। फिरोजाबाद में 51.08% वोटिंग हो चुकी है। मैनपुरी में 44%, एटा में 45%, कासगंज में 50.42%, ललितपुर में 59.13%, हमीरपुर में 50.73%, महोबा में 51.71% वोटिंग 3 बजे तक पूरी हो चुकी है। फिरोजाबाद में 51.08%, कासगंज 50.74%, हाथरस में 50.10%, कानपुर में 43.25%, कानपुर देहात में 47.13% और अय्या और सभी जगह से कुल 16 जिलों से वोटिंग के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 3 बजे तक कुल 48.81% मतदान संपन्न हो चुके हैं। करीब करीब 50% मतदान संपन्न हो गए इन 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पे और सभी जगह से आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो सीधे आपकी स्क्रीन पे पूरे आंकड़े, जहां यूपी में तीसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा और 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। जालौन में 3 बजे तक 46.87% वोटिंग हुई। झांसी में 48.52% वोटिंग हुई है 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। कासगंज में 3 बजे तक 50.74% वोटिंग पूरी हो चुकी है। कानपुर देहात में 47.13% वोटिंग पूरी हुई 3 बजे तक। हाथरस में 3 बजे तक 50.10% वोटिंग पूरी हो चुकी है। और इसी खबर पे हमारे साथ फरुखाबाद से संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, अभी तक जो आंकड़े सामने आए, क्या लगता है, काफी उत्साहित दिख रही है जनता? मतदान हो चुका है। भोजपुर विधानसभा में सबसे अधिक मतदान हुआ है, 54.60% मतदान हुआ। कहीं ना कहीं फरुखाबाद की जनता है इस बार मतदान को लेकर जागरूक नजर आ रही है और अधिक से अधिक मात्रा में लोग निकलने, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे वो महिलाएं हों, हर वर्ग का व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति मतदान के लिए निकल रहा है और अधिक से अधिक मतदान लोग कर रहे हैं। मतदान के लिए मुझे जो आंकड़ा नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं शाम के 6 बजे तक मतदान की संख्या 60% से तो अधिक पहुंचेगी। सरकार के जो प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग के जो एक दावा था कि 80% तक मतदान होना चाहिए, अगर इसी रफ्तार से मतदान होता रहा तो 80% पार कर सकता है। जी, क्या फरुखाबाद के किसी विधानसभा से ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई है? क्या बाधित हुआ है चुनाव?
जी हाँ, फर्रुखाबाद की दो विधानसभाओं से ईवीएम खराब होने की सूचनाएं आई हैं। आई तो सुबह से सूचनाएं आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं असत्य पाई जा रही थी। लेकिन जो दो विधानसभाएं आपको बताना चाहूंगा कि जो कायमगंज विधानसभा के ग्राम बबरारा स्थित मतदान केंद्र, वहां पर 2 घंटे के लिए ईवीएम खराब हुआ और 2 घंटे तक वहां मतदान बाधित रहा। उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा वहां पर ईवीएम बदलाया गया। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमृतपुर विधानसभा के ग्राम पुथनापुर के परमापुर केंद्र पर वहां पर 1 घंटे के लिए ईवीएम खराब हुआ। वहां पर ईवीएम को चेंज किया गया सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो कह सकते हैं कि दो विधानसभाओं में ईवीएम खराब होने की सूचनाएं आई हैं। साथ ही साथ इसके साथ बताना चाहूंगा कि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी ईवीएम खराब होने की सूचनाएं आई थी, जिसको जब प्रशासन द्वारा जांचा गया तो वो कहीं के असत्य पाई गई। अगर बात करें वोटिंग की रफ्तार की, तो वो कैसी देखने को मिल रही है? क्या भीड़ देखने को मिल रही है? लोगों को समय लग रहा है अपने मत का प्रयोग करने में? किस तरह से चल रहा है इस वक्त वोटिंग? जी मैं बताना चाहूंगा कि मतदान के लिए प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी कहीं ना कहीं बेहतरीन नजर आ रही हैं, और प्रशासन के द्वारा जो की गई व्यवस्थाएं हैं जनता के लिए बहुत सहूलियतकारी हैं। जनता को मतदान करने के लिए ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा रहा है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नजर सही नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद में जो प्रशासन के दावे थे कि जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जा रही है, तो फर्रुखाबाद शहर के जो प्रमुख केंद्र थे, जब प्राइम टीवी ने खबर को प्रमुखता से चलाया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है ईवीएम उनके लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। और डीएम फर्रुखाबाद ने भी स्वयं इस बात का संज्ञान लेते हुए समस्त जो केंद्र है उनपे सख्त निर्देश दिए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी मतदान केंद्र वहां पे ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाए, बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का मतदान करना उसका अधिकार है और हर व्यक्ति को मतदान करने के लिए जो उचित सहूलियत है वो प्रदान की जाए, यह प्रशासन की व शासन की जिम्मेदारी है। जी सुंदरम, अगर बात करें फर्स्ट वोटर्स की, तो उनमें कितना उत्साह देखने को मिला? क्या सुबह सुबह फर्स्ट वोटर पहुंचे अपने मत का प्रयोग किया? ये बताना चाहूंगा नए उम्र के जो मतदाता हैं, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनमें जोश जो है वो चरम सीमा पे है। और साथ ही बताना चाहूंगा कि सुबह सूर्य की पहली किरण और 7 बजते ही युवा जो मतदाता है वो घर से निकलकर मतदान के लिए करने के लिए पहुंचा है। प्रशासन की तरफ से जो नारा दिया गया था कि पहले मतदान फिर जलपान, उसको चरितार्थ करने के लिए जो युवा वर्ग का मतदाता है, जो 18 वर्ष से अधिक का मतदाता है, जो पहली बार मतदान करना है, कहीं ना कहीं वह उसको चरितार्थ करते हुए नजर आ रहा है। जी सुंदरम, अगर बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो कैसी देखने को मिल रही फर्रुखाबाद में? जी फर्रुखाबाद में चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा नागरिक पुलिस के साथ साथ यहाँ पर जो सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, पैरामिलिट्री के जवान लगाए गए हैं। साथ ही साथ अन्य राज्यों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मामले में प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था बहुत ही चुस्त व दुरुस्त नजर आ रही है। जी और वैसे कुछ जगह से यूपी में, जहाँ आज 16 जिलों में मतदान है, तो कुछ जिलों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि मोबाइल बैन होने के बाद भी लोग मतदान केंद्र पे मोबाइल ले जा रहे हैं, वहाँ से फोटो सामने आ रही है। तो क्या ऐसा फर्रुखाबाद में भी कोई मामला सामने आया है? जी कहीं ना कहीं 1-2 वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर मोबाइल प्रतिबंधित होने के बावजूद भी जो कुछ लोग हैं वो अपना मोबाइल छुपा कर लिए जाते हैं। वहाँ पर वोट डालने के दौरान उन्होंने वीडियो बनाए हैं और 1-2 वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हैं। प्रशासन इनको चेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी छिटपुट घटनाओं के बीच चुनाव सफल सम्पन्न हो रहा है। जी कहीं कहीं से ऐसी चुनाव बहिष्कार की खबरें भी सामने आ रही है, रोड नहीं, विकास नहीं, तो चुनाव नहीं, वोट नहीं, तो क्या इस तरह की कोई खबर सामने आई फर्रुखाबाद से? फर्रुखाबाद के कुछ क्षेत्रों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन वहाँ प्रशासन के द्वारा जनता को मनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही छटपुट घटनाएं हैं, बहुत ही कम घटनाएं सामने आ रही हैं, जहाँ पर मतदान को बहिष्कार करने की कोशिश जो है वो आते सामने आ रही है। जी सुंदरम, हम जानना चाहेंगे अगर ऐसी खबर सामने आई तो वो किस विधानसभा से सामने आई है? जी कायमगंज विधानसभा लखनपुर जो ग्राम है, वहाँ पर ऐसी घटना सामने आई, तो उसके बाद प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर जाकर जनता को मनाया गया और उसके बाद 2 बजे वहाँ पर मतदान प्रारंभ हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर एक खबर पे अपडेट देते रहिए, नजर बनाए रखिए सुंदरम इस खबर पे। हमारे साथ फर्रुखाबाद से संवाददाता सुंदरम जुड़े थे। तो आंकड़े सामने आ चुके हैं 3 बजे तक के, और अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है वोटिंग। और वोटिंग देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है अगर इसी रफ्तार से चलता रहे मतदान। तो ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जहां ईवीएम खराब होने की वजह से कुछ समय के लिए मतदान बाधित भी हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच जनता शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने मत का प्रयोग कर रही है, वो चाहे नए वोटर्स हो या फिर जो है बुजुर्ग हो, सभी वर्ग के लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात करी जाए विकलांगों की, वृद्धों की, तो उनके लिए भी कई सुविधाएं दी गई हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद दिख रही है। मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग भी किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके इसके लिए 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। जहां पहले सुबह 7 से 5 बजे तक वोटिंग होती थी, वहीं अब 6 बजे तक वोटिंग का समय कर दिया गया है। जितने भी मतदाता 6 बजे तक मतदान केंद्र पर मौजूद रहेंगे उन्हें मतदान करने की अनुमति रहेगी, उसके बाद जो आएंगे उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। और
ये अपील भी करी गई है सबसे कि मतदान केंद्रों पे जाएं और जाके अपने वोट का प्रयोग करें। और इस खबर पे अब हमारे साथ संजीव कुमार जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से संवाददाता। संजीव, कैसी देखने को मिल रही है इस वक्त मतदान केंद्रों पे लोगों की भीड़? 3 बजे तक फिरोजाबाद में 51.9% मतदान हो चुका है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल मतदान चल रहा है। इस अगर कुल मतदान की बात की जाए तो लगभग 60% तक मतदान होने की उम्मीद है जी। और लोगों की भीड़ कैसी देखने को मिली? क्या लोग उत्साहित हैं? क्या वो लंबी कतारों में भी लगे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का? नहीं, अधिकतर बूथों पे लगभग वोटिंग पूरी हो चुकी है, 4 बजने का समय आ गया है। और एक जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ, इस बूथ पे अब एक भी मतदाता यहाँ वोट डालने के लिए नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अधिकतर बूथों पे लगभग मतदान खत्म होने की कगार पे है जी। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिली मतदान केंद्रों पर? सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए या फिर कोरोना प्रोटोकॉल की बात करी जाए, क्या कुछ देखने को मिला है सुबह से? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो जो अति संवेदनशील बूथ थे वहां पर पार्लियामेंट्री फोर्स की तैनाती की गई थी, पुलिस यूपी पुलिस के जवानों को लगाया गया था। और इस बार एक खास बात यह भी रही है कि जो अदर स्टेट की पुलिस आर्म फोर्स है उनको भी बुलाकर पोलिंग बूथ पर तैनात किया गया था जी। अगर बात करी जाए वोटर्स की, जो नए वोटर्स हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिला? उनमें क्या कुछ वोटर्स सुबह सुबह आके सबसे पहले मतदान करते हुए नजर आए या फिर दिन में भी सबका तांता लगा रहा? नहीं, देखिए, जो नए वोटर्स थे उनमें उत्साह नजर आ रहा था, उन्होंने पहली बार मतदान किया है तो इसको लेके उनमें उत्साह एक नजर आ रहा था। और उन्होंने सुबह ही सबसे पहले मतदान करने वाले लोगों में वही लोग थे जी। वृद्धों, दिव्यांगों के लिए क्या कुछ तैयारियां और सुविधाएं दी गई थी? देखिए, दिव्यांगों के लिए प्रशासन की तरफ से वैसे व्हीलचेयर की व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्र पर की गई थी, लेकिन एक मतदान केंद्र पर जब प्राइम टीवी की टीम पहुंची तो वहां 97 साल के एक बुजुर्ग ने वोट डाला था, वो चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वहां व्हीलचेयर की कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आई जी। और जिस तरह से फोन ले जाने की और वोट करते हुए फोटो वायरल होने की जो खबरें सामने आ रही हैं यूपी के कई जिलों से, तो क्या ऐसी कोई खबर भी इस जिले से सामने आई है? नहीं, फिरोजाबाद प्रशासन ने इस पर पूरी तरीके से लगाम लगा रखी थी। फिरोजाबाद के किसी भी पोलिंग बूथ पर किसी भी वोटर को मोबाइल ले जाने की कोई अनुमति नहीं थी जी। और फिरोजाबाद से क्या चुनाव बहिष्कार की कोई खबर? देखिए, टूंडला में एक ग्राम में चुनाव बहिष्कार की एक खबर आई थी, प्रशासन द्वारा उन लोगों को मना लिया गया और वहां पर भी अब चुनाव सुचारू रूप से चल रहा है। अगर बात करी जाए संजीव, जिस तरह से चुनाव बहिष्कार किया जाता है, मना लिया जाता है लोगों को, लेकिन उसके बाद भी कोई उनकी सुनवाई नहीं होती, इसी वजह से ये सब हम लोगों को खबरें देखने को मिलती हैं कि बहिष्कार किया जा रहा है, तो क्या इसका कोई निष्कर्ष निकल सकता है? क्या सड़कें बनेंगी या फिर सिर्फ दावे और वादे किए जाएंगे और हर बार इस तरह से बहिष्कार की खबरें देखने को मिलेंगी? देखिए, ग्रामीणों का कहना है, जब मैंने उनसे बात करी तो ग्रामीणों का स्पष्ट कहना था कि नेता आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, हम हर बार वोट डालते हैं, प्रशासन भी सहमति इसमें जताता है, लेकिन जो हाल वही का वही रहता है। तो देखने में ये आया है कि जहां विकास नहीं है वहां लोग अब इस बात को करने लगे हैं कि अगर विकास नहीं तो वोट नहीं जी। और कौन कौन से प्रत्याशी इस बार कांटे की टक्कर दे रहे हैं फिरोजाबाद में? देखिए, फिरोजाबाद सदर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के विधायक मनीष सचीजा की सीधी टक्कर है बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी साजिया हसन से, यहाँ देखने को मिल रही है जी। टूंडला विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ प्रेमपाल धनगर जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं राकेश बाबू एडवोकेट उनसे देखने को मिल रही है। सिरसागंज विधानसभा की अगर बात करते हैं तो वहाँ समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक थे जो अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं हरिओम यादव, उनकी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी के सर्वेश यादव से देखने को मिल रही है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर एक खबर पे अपडेट देते रहिए और नजर बनाए रखिए। हमारे साथ फिरोजाबाद से संवाददाता संजीव कुमार जुड़े हुए थे। तो सीधे तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, कुछ छुटपुट खबरें सामने आई लेकिन अधिकारियों द्वारा उन्हें समझा लिया गया है, ग्रामीणों को समझाया गया, मतदान कराया गया, ईवीएम खराब होने की खबरें भी कुछ जगह से सामने आ रही है, लेकिन कुछ समय तक बाधित रह रहा है ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान, लेकिन उनको जल्द से जल्द ठीक किया जा रहा है और मतदान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। 3 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ गए हैं, तेजी से मतदान चल रहा है। बहुत सी जगह ऐसे भी है जैसा कि हमारे संवाददाता संजीव कुमार ने बताया कि फिरोजाबाद में कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पे लगभग वोटिंग पूरी हो चुकी है, 4 बजने ही वाला है और 4 बज चुका है और ऐसे में
कई केंद्रों पर मतदान लगभग पूरे हो चुके हैं और 6 बजे तक का समय है और ऐसे में मतदान अभी भी जारी है। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए घर से निकल रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त ऐसा होता है जब लोग सबसे पहले तैयार होकर मतदान केंद्रों पर जाके अपने मत का प्रयोग करते हैं और उसके बाद कोई काम करते हैं। तो वही कुछ लोग, अगर बात करी जाए महिलाओं की, तो महिला अपने घर का काम निपटा के दिन के समय निकलती है, तो शाम का वक्त हो चला है और ऐसे में लगभग मतदान ज्यादा से ज्यादा पूरे बताए जा रहे हैं। और अब महोबा से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं दिलीप वाजपेयी। दिलीप, महोबा में अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं और जनता में कितना उत्साह देखने को मिला? जी बिल्कुल, इस बार के चुनाव में जो मतदाता है उनमें एक गजब का उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में सुबह सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने पहुंचे। यही वजह है कि बुंदेलखंड और खासकर महोबा में अभी तक जो 3 बजे तक करीब 51% से ज्यादा मतदान हुआ है। ये लगभग बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में और मतदान का प्रतिशत 3 बजे तक 50% से ऊपर पहुंचा है। उम्मीद ये जताई जा रही कि इस बार का मतदान, जो लाइनें लगी है कई जगह मतदान केंद्रों पर, वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। जी जी, इस बार कौन कौन से मुद्दे को देखते हुए महोबा में चुनाव हो रहे हैं? महोबा सदर विधानसभा की माने तो महोबा में एक जो कबरई पत्थर मंडी है वो एक बहुत बड़ा, वहाँ बहुत बड़े लोग रोजगार रहता था और कहीं ना कहीं गलत खनन नीति के चलते जो रोजगार लोगों के ध्वस्त हुए, कबरई पत्थर मंडी पूरी तरह बर्बाद हुई है, एक वो मुद्दा है। उसके अलावा महोबा का जो मुख्य मुद्दा है वो किसानों को लेकर मुद्दा है और किसान अन्ना पशु समस्याएं हैं या किसानों के खेत को पानी हो। बीते कई वर्षों से लगातार जो बुंदेलखंड के, खासकर महोबा बुंदेलखंड का पिछला जिला है, यहाँ के जो किसान है वो प्राकृतिक आपदाओं का लगातार दंश झेलते आ रहे हैं। इसको लेकर ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि किसानों को इसके खेतों को पानी और किसानों को अन्ना पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ की जो बदतर है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, युवा हो महिलाएं हो सभी इस बार विकास के मुद्दे को लेकर वोट करने पहुंचे हैं। जी जी, अगर मतदान केंद्रों की बात करी जाए तो क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिली वहां पे? मतदान केंद्रों पर जिला प्रशासन द्वारा जो चुनाव अधिकार पर्यवेक्षक हैं वो लगातार घूम रहे हैं सब जगह। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, लेकिन इसके अलावा कुछ खामियां भी नजर आई हैं ज्यादातर मतदान केंद्रों पर। यहाँ पर कहीं ना तो जो दिव्यांग है उनके लिए ट्राई साइकिल या जो वृद्ध है उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं जो करनी चाहिए थी और जो दावे किए गए थे, लेकिन वो व्यवस्थाएं यहाँ मतदान केंद्रों पर ज्यादातर जगह पर देखने को नहीं मिली है। जी जी, ईवीएम खराब होने की खबरें भी कई जिलों से सामने आई है, महोबा का क्या हाल रहा? जी, महोबा में भी दो से तीन जगह ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई थी। एक अजनर था, सरकारी विधानसभा का अजनर है, वहाँ एक हरजन बस्ती है वहाँ पे, और महोबकंड थाना क्षेत्र के पिपरी गांव में। इसके अलावा एक जगह और करीब 3 जगह ईवीएम खराब होने की जो खबरें आई हैं, उसके बाद प्रशासन ने आनंद फानंद में ईवीएम भी सही कराई है। हालांकि महोबा में 2 गांवों में चुनाव बहिष्कार भी किया गया, जिसके बाद मौके पर एसडीएम द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर मतदान शुरू कराया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर एक अपडेट पे नजर बनाए रखिए और अपडेट देते रहिए। इस खबर पे हमारे साथ महोबा से संवाददाता दिलीप वाजपेयी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि कुछ कमियां जरूर देखने को मिली है, कुछ लापरवाही जरूर देखने को मिली है, लेकिन लगातार चुनाव चल रहा है, सही से हो रहा है, मतदान केंद्रों पे सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है और अगर कहीं पे चुनाव बहिष्कार की खबर सामने आ रही थी तो वहां से भी अधिकारियों ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया बुझाया और मतदान फिर से शुरू करवा दिया गया। जहां ईवीएम खराब हुई तो वहां पे ईवीएम को ठीक करवाया गया और सुचारू रूप से इस वक्त भी मतदान चल रहा है और अच्छी खासी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है, मतदान किया है, अपने मत का महत्व समझा है। तो सभी जगह से अब आंकड़े 3 बजे तक के सामने आ चुके हैं। कानपुर देहात हो या फिर कानपुर नगर हो, हाथरस में 50.10% वोटिंग हुई है, हमीरपुर में 3 बजे तक 50.73% वोटिंग हुई है, अलग अलग जिलों से
कुल 16 जिलों में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। सभी से आंकड़े सामने आ रहे हैं। 43.25% कानपुर नगर में वोटिंग हुई। ललितपुर में 3 बजे तक 59.13% वोटिंग हुई है। इटावा में 50.42% वोटिंग हुई। फिरोजाबाद में 51.08% वोटिंग हुई है। 50% के आसपास सभी जगह वोटिंग हो चुकी है। 3 बजे तक फरुखाबाद में 51% वोटिंग हुई है। 16 जिलों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 3 बजे तक के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और 3 बजे तक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। 50% के करीब वोटिंग हो चुकी है। जालौन में 46.87%, झांसी में 48.52% वोटिंग हो चुकी है। 3 बजे तक, 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। कासगंज में 3 बजे तक 50.74% वोटिंग हुई है। कानपुर देहात में 47.13% वोटिंग हुई है। हाथरस 50.10% हॉट सीट है। हमीरपुर में 50.73% वोटिंग हुई है 3 बजे तक। कानपुर नगर में 43.25% वोटिंग हुई 3 बजे तक। ललितपुर 59.13% वोटिंग हुई है 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इटावा में 3 बजे तक 50.42% वोटिंग हुई है। कई बड़े ऐसे नेता हैं जिनकी साख आज दांव पर है। कई बड़े नेता आज चुनावी मैदान में उतरे जिनकी किस्मत कैद होगी। आज ईवीएम में कुल 627 प्रत्याशी हैं जो कि आज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा और आज ईवीएम में कैद होगा इन सभी की किस्मत का फैसला। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। यादवलैंड और मुस्लिम बेल्ट माना जाता है, बुंदेलखंड में चुनाव है तो काफी अहम है ये चुनाव, क्योंकि जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए हैं वो भी काफी अहम थे, आने वाले चरण के चुनाव भी काफी अहम रहेंगे, लेकिन सभी अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व रखते हैं। और अब इस खबर में हमारे साथ कानपुर से संवाददाता रिजवान खान जुड़ चुके हैं। रिजवान, कानपुर में कैसा देखने को मिल रहा है इस वक्त का माहौल? मैम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर के आर्यनगर विधानसभा सीट में पोलिंग बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को घर से जागरूक किया जा रहा है। मगर इस टाइम कानपुर की देखते हुए पोलिंग बूथ पे सबसे कम पोलिंग बूथ आर्यनगर के विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। जी, आखिर रिजवान वजह क्या है कम वोटिंग का? क्योंकि लोग जागरूक भी है, पढ़े लिखे भी है और जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा भी समझाया गया है जनता को, तो क्या वो नाराज है? काम अच्छा नहीं हुआ है उनके जिलों में, उनके क्षेत्रों में, क्या वजह है? वजह तो लोगों ने कहा है कि मैं चुनाव, अब की बार चुनाव बहुत अंदर खाने से हो रहा है, लोगों का कहना है कि मैं वोट दे रहा हूं, वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहते हैं। वहीं कहीं कहीं ये मामला सामने आया है कि निर्वाचन आयोग के जो लोग हैं वो काम बहुत ही धीमी गति से कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आते हैं और आकर वोट देने की कोशिश करते हैं, भीड़ ज्यादा होती है, काम स्लो होता है, उसकी वजह से वापस जा रहे हैं। अब की बार लोगों का चुनाव गुप्त है, वो देने के बाद कुछ जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, ना बदलाव की बात करते हैं, ना किसी चीज की बात करते हैं, बस ये बात करते हैं कि हाँ बस ठीक था, सब ठीक है, जिसको चाहेंगे बैठा लेंगे, अबकी किसी को बताना नहीं है। जी, मतदान केंद्रों पे सुस्त चल रही है व्यवस्था और वोटिंग सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो मतदान केंद्रों पे क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मैम, मतदान केंद्रों की बात करते हैं तो अपने वीडियो जल्दी से कहेंगे, हल्का सा इधर करके दिखाएं कि मतदान केंद्रों में सन्नाटा चल रहा है और पब्लिक अभी इस टाइम पे पब्लिक की पोजीशन है, जबकि चुनाव अभी लगभग माना गया है 44% लगभग चुनाव हुआ है, 3 बजे के समय सारणी के अनुसार 44% तक का चुनाव हुआ है। उसके बाद ये पता चला है कि सन्नाटा भी है, पब्लिक आके लौट भी चुकी है, कुछ न कुछ चुनाव आयोग कहीं ना कहीं स्लो माना गया है और कहीं ना कहीं इस विधानसभा में तो स्लो माना गया है। वहीं जागरूक भी लोग हैं मगर फिर भी यहाँ ज्यादा भीड़ होने की वजह से, काम स्लो बताने की वजह से लोग वापस लौट चुके हैं। जी रिजवान, कानपुर देहात से बहुत खबरें सामने आई जहां पे मोबाइल पाया गया है, मोबाइल द्वारा फोटोज भी वायरल हुई है, ईवीएम भी खराब हुआ है, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो कुछ लापरवाही देखने को मिली है प्रशासन की, क्या कहेंगे? प्रशासन की लापरवाही सामने तो आई, मगर कहीं ना कहीं पर ये भी दिखा जाए तो जिन लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल किया है या जिन लोगों ने वोटिंग बूथ पर फोटोज ली है उनके खिलाफ प्रशासन टाइट भी रहा है और मुकदमा दर्ज कराने का आदेश भी दिया प्रशासन ने। जी, वोट बहिष्कार की जो खबरें सामने आ रही है क्या कहेंगे? अब तो समझा लिया गया अधिकारियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा समझा के वोट तो करा लिया गया है, लेकिन उनकी समस्याओं का क्या निवारण हो पाएगा? ये बात बताना अभी मुश्किल होगा क्योंकि समस्याओं का निस्तारण
वो तो डिपेंड करता है, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि समस्याओं का निस्तारण कितना हो पाएगा और कितना नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। हर एक चुनावी अपडेट पे नजर रखिए रिजवान और हमें खबर देते रहिए। इस खबर पे हमारे साथ रिजवान खान जुड़े थे कानपुर से। तो कानपुर में बहुत सुस्त चल रही है मतदान की रफ्तार। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान केंद्रों पे लोग बहुत कम ही पहुंच रहे हैं और अगर जो पहुंच भी रहे हैं तो वो एकदम गुप्त रख रहे हैं अपना मतदान, कुछ नहीं कहना चाहते कि आखिर किन मुद्दों को लेकर या फिर किन चीजों को लेकर इस बार वोट डाले जा रहे हैं। हालांकि कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहाँ पे विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मतदान किया जा रहा है, लेकिन जो कानपुर है वहां पे काफी सुस्त नजर आ रही है ये रफ्तार। तो चुनाव चल रहा है, सुबह से ही जारी है, शाम 6 बजे तक चलता रहेगा। 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं और हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।